अनवर चाय। तुमने रमशा से बात की? क्या बात कर, आपने देखा नहीं कैसे फूट फूट के रो रही थी वो? साल में उसका इस तरह रोना धोना अच्छा नहीं है। लेकिन आपके बेटे को ये बात समझ में नहीं आ रही। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इन सब बातों का। जो कासिम भाई का बेटा है अफनान, वो काफी सुलझा हुआ समझदार लड़का है। मुझे लगता है कि शानी इल्जाम लगा रहा है। क्यों? शानी ऐसा क्यों करेगा? मुझे क्या पता, आप शानी से ही पूछे। इल्जाम लगा रहे उसके ऊपर। शानी इतना पागल नहीं हो सकता। उसने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा, कुछ ना कुछ तो सुना होगा। मान लिया कि शानी थोड़ा पागल है, पर इतना भी पागल नहीं है। तुम खुद बताओ तुम्हें क्या लगता है, अलीजे बीबी को क्या जरूरत है झूठ बोलने की? पता नहीं अनवर, लेकिन मेरा दिल ना ये बात मानने के लिए राजी नहीं है। मैं मानती हूं कि रमशा लाओबाली थी, वो मोबाइल से वीडियो बनाती थी, दोस्तों से फ्री होके बात करती थी, हर वक्त फोन में लगी रहती थी, मगर वो अफनान वो काफी काफी समझदार लड़का लगता है। और सही बताऊं अनवर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो जो अलीजे है ना, वो नहीं चाहती कि रमशा का उस घर से रिश्ता बना रहे। मैं जब भी जाती हूँ ना, कासिम भाई तो बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं, लेकिन अलीजे और उसकी माँ, दोनों का रवैया बहुत सर्द होता है। चलो ठीक है, जो कुछ तुमने कहा मान ली तुम्हारी बात, मान लिया कि अलीजे को रमशा का उस घर में रहना पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये कि अलीजे उस पे इल्जाम लगा देगी, झूठ बोलेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता सलमा बीबी, ऐसा नहीं होता। कोई किसी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगाता। बात में कुछ सच्चाई जरूर होती है। पता नहीं। बात में कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी। कोई किसी पे ऐसे इल्जाम नहीं लगाता।